हाय एवरीवन, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना प्यार मुझे मिल रहा है यहाँ पर, कमेंट्स के फॉर्म में, मेल्स के फॉर्म में बहुत सारा प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी। अभी मेरी एक स्टूडेंट है जो मेरे साथ 21 डेज़ के कोर्स से जुड़ी थी, और हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि उनकी वो प्रॉब्लम में कुछ चेंजेस दिखे हमें, मुझे और उन मैम को जो मेरे साथ थी। सो व्हाट हैपेंड इज, हम धीरे धीरे हर मेरे एक सेशन में, 1 आवर के सेशन में हम लोग कर रहे थे होपोनोपोनो हीलिंग, डीप हीलिंग कर रहे थे। वी ऑल्सो डिड इनर चाइल्ड हीलिंग, कॉर्ड कटिंग, बहुत सारी टेक्निक्स जो मैं अपने कोर्स में कराती हूँ वो मैंने सारी उनको कराई। और कहीं ना कहीं हम लोग चाह रहे थे कि चेंजेस दिखे। उनकी प्रॉब्लम मैं थोड़ी सी शेयर करूँगी आपसे, बिकॉज वो उनका जो सन है, ही वॉज एक्सपीरियंसिंग सम प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। तो सन को कुछ एडिक्शंस में सन पड़ गए, और जिसकी वजह से मेरी क्लाइंट, मेरी जो स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करने लग गई। क्योंकि जब बेटा ही आपका थोड़ा एडिक्शन में पड़ गया है तो सूझबूझ खो जाता है इंसान। इंसान को नहीं पता लगता कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत वो कर रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उनके साथ, एंड अंदर ही अंदर मेरी स्टूडेंट जो मैम है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लग गई। डिप्रेस्ड और स्केर्ड, स्केर्ड ऑफ हर इमोशंस, दैट हाउ विल द सन रिएक्ट ऑन दिस, या फिर कभी सन चिल्लाएगा, कभी सन कुछ करेगा। तो इस प्रकार की उनको फीलिंग्स बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गई। तो अब रिसेंटली हमने बहुत, मैंने उनको पहले तो लेट गो करना सिखाया, लेट गो ऑफ दिस नेगेटिव थिंग दैट उनके साथ जो हो रही थी, नेगेटिव इमोशंस को फेस करना सिखाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने, जो उनको बहुत अफेक्ट करी और जो मैंने बहुत अच्छे से उनको करानी स्टार्ट करी, वो ये थी कि जो भी वो फील कर रही है ना, अगर सिचुएशन ख़राब है सन के साथ, ठीक है, शी इज सीइंग द सन इन अ बैड स्टेट, तो सन को हम ठीक नहीं करेंगे, हम ठीक करेंगे उनकी फीलिंग्स। हम सब कर रहे थे, सन को भी ठीक कर रहे थे, बट मोस्टली हमने जो फोकस डाला एंड के कुछ सेशंस में, वो था उनकी फीलिंग्स, मेरी स्टूडेंट की फीलिंग्स, जो कि वो कभी नेगेटिव इमोशंस फील कर रही थी। एंड वंस आपके नेगेटिव इमोशंस हील हो जाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है उसका, पॉजिटिव सिचुएशन बेटर हो जाती है, आप बैड नहीं फील करते हो, आप बेटर फील करते हो। एंड थर्ड, वो पर्सन जिसके लिए आपके नेगेटिव इमोशंस स्टार्ट हुए हैं, वो पर्सन बेटर हो जाता है, सिचुएशन बेटर हो जाती है। तो ये मिरेकल कल मुझे यहाँ पर, जब मैं यहाँ पे सिडनी में हूँ, और मुझे कल उनका मैसेज आया कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या शेयर करना है। तो हमारी बात हुई एंड मैं इतनी खुश, आई कॉन्ट टेल यू, बिकॉज मैं अपने एक ईच एंड एवरी स्टूडेंट के साथ अपनी विक्ट्री शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं फॉर 21 डेज सेशन, तो आपकी जो विक्ट्री होगी ना, उसी में मेरी विक्ट्री होगी। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने वो चीज़ उनको करा दी और ख़त्म, नहीं। आई वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम हर, एंड कल जब मेरी उनसे बात हुई तो मेरा ये ट्रिप जो है, जो मैं ये ट्रिप पे आई हूँ, ये इसकी खुशी और दुगनी खुशी हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कल एक ऐसा चेंज देखा अपने बेटे में जो उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। छोटे मोटे चेंजेस तो दिख ही रहे थे रोज़ के रोज़ सिचुएशन में, घर में, बेटे के बिहेवियर में, पर जो कल हुआ वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चेंज आया सिचुएशन में, ये चेंज पहले नहीं आ सकता था, इम्पॉसिबल था। वो जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो मैं इतना डीपली शेयर नहीं कर पाऊंगी, पर बहुत अमेजिंग मुझे लगा कि उनका बेटा और उनकी पूरी फैमिली खुशी से रह पा रही है, अब शुरुआत हो गई है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने किसी की खुशियों में हाथ बटाया, और आई एम सो हैप्पी। सो
अब मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी और चाहूंगी कि अगर कोई somebody out there किसी भी फॉर्म में सफर कर रहा है, तो जस्ट डोंट थिंक कि लाइफ में कोई और वे आउट नहीं है इस प्रॉब्लम का. कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो. कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसको हील ना कर सके. और यूनिवर्स के आगे कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि आपकी लाइफ छोटी पड़ जाए. सो जस्ट थिंक वंस अगेन एंड गेट इन टच विद मी. आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग माई मेंटर फॉर हीलर्स कोर्स, जो कि अभी 21 को मैं वेबिनार लूंगी और मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे दूसरों को हील करना है. अगर आप में 1% भी ऐसा फीलिंग है कि आपको दूसरों को खुशी देने में मजा आता है, दूसरों को हील करने में आपको अच्छा लगता है, आपकी वजह से वो हील होंगे, तो प्लीज ये वेबिनार जरूर अटेंड कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल कीप ऑन शेयरिंग मोर एक्सपीरियंसेस विद यू ऑफ माई स्टूडेंट्स. आई एम सो हैप्पी एंड टुडे वी आर गोइंग टू सिडनी, एंड सिडनी में ही हम और जगहें देखने जा रहे हैं. तो थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू ऑल.